तो दोस्तों ये दो भाई काफी दूर से मेरी वीडियो देख के मेरे से मुर्गा मछली मटन बिरयानी का मसाला लेने आए और बेच तक का मसाला लेने आए। चलिए भाई का 2 किलो क्वांटिटी में गरम मसाला तैयार करने जा रहे हैं। पहले भाई से पूछते, भाई कहाँ से आए हो आप? बिहार के मुंगेर जिले से आए हैं भाई। वीडियो देखा था, पुराना वीडियो, वही देख के हम यहाँ पे आए। तो भाई काफी टाइम पहले मेरी वीडियो देखे थे जो कि अभी आना हुआ, तो भाई मेरे से क्वांटिटी में गरम मसाला बनवा के लेके जा रहे हैं। तो दोस्तों मैं भाई का गरम मसाला बनाने जा रहा हूँ, देखते इसके अंदर क्या क्या डाल रहे हैं। ठीक है, पहले इसके अंदर डालेंगे आपका ये, इसके अंदर बनाएंगे आपका, पहले डालेंगे इसके अंदर आपका ये आ गया आपका जीरा। ठीक है जी, ये आपका कति जैनमैन जीरा आ गया, रमन जीरा बोलते हैं, प्योर जीरा होगा ये। ठीक है, जीरा के बाद डालेंगे इसके अंदर भैया तेजा वाली काली मिर्च, ये आपकी आ गई काली मिर्च। ठीक है, ये प्योर काली मिर्च होने वाला है और तेज में बिल्कुल तेजा होने वाला है। ठीक है, इसके बाद डालने वाले भैया जीरा की तरह दिखने वाला शाही जीरा, ये आ गया शाही जीरा, शाही लोगों के लिए शाही जीरा आ गया, स्वाद के लिए सबसे बेस्ट होता है और बिरयानी पुलाव वगैरह में भी डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और फिर इसके अंदर डालेंगे भैया कबाब चीनी, ये नाम का कबाब चीनी होता है, बाकी वेज नॉन वेज किसी में भी डालोगे तो जायका नंबर टॉप का ही आने वाला है आपका। ठीक है, ये आ गया आपका कबाब चीनी। ठीक है, कबाब चीनी के बाद डालने वाले भैया स्पेशल वाले लौंग, जैसे कि एक नॉर्मल लौंग होता है, ये देख सकते हो आप, ये नॉर्मल लौंग होता है। ठीक है, ये आपका फिर प्योर लौंग होता है जिसको बोलते हैं हम लाल परी लौंग, पूजा पाठ में भी ज़्यादा यूज होता है और बिरयानी दम बिरयानी वगैरह में भी यूज होता है। इसका एक रीज़न है क्योंकि इसके अंदर स्वाद काफ़ी अच्छा होने वाला है, खुशबू भी काफ़ी तेज होने वाली है इसकी। ठीक है, फिर डालेंगे आपका स्वाद वाली लौंग आ गई आपकी इसके अंदर, लौंग के बाद डालने वाले भैया इसके अंदर आपकी बड़ी इलायची, बड़ी इलायची की क्वांटिटी काफ़ी अच्छा होने वाला है जो कि दाना इसके अंदर बिल्कुल भरपूर मात्रा में पाई जाएगी। एक आपका बड़ी इलायची इधर होता है, एक बड़ी इलायची ये हो गया, लेकिन हम जो बिरयानी मसाला या कोई भी मसाला हमसे बनवाने आता है तो हम बेस्ट क्वालिटी का ही सामान डालते हैं। ठीक है, तो हम इसके अंदर बड़ी इलायची डालेंगे, वो भी क्वांटिटी में, ये बड़ी इलायची डल गया आपका। ठीक है, बड़ी इलायची आ गई भाई। बड़ी इलायची के बाद इसके अंदर डालने वाले भैया हम अपने इधर का स्पेशल सिगार वाली दालचीनी, जिसको बोलते हैं श्रीलंकन दालचीनी, एक नॉर्मल वाली होती है वो ये देख सकते हो आप। ठीक है, ये नॉर्मल होती है और ये आपकी प्योर होती है। ठीक है, ये दालचीनी डल गया आपका। दालचीनी के बाद भैया इसके अंदर डालने वाले हम स्टार फूल, जिसको बादियान खटाई भी बोला जाता है, स्टार फूल भी बोला जाता है, ये देख सकते हो आप, ये स्टार फूल आ गया आपका। ठीक है, स्टार फूल भी डालेंगे आप इसके अंदर, ये आ गया स्टार फूल। स्टार फूल के बाद डालेंगे इसके अंदर भैया प्योर वाली पीपल, जो कि सर्दी जुकाम खांसी बुखार में भी काम आता है, गले के खराश के लिए भी अच्छा होता है और बाकी मसाले वगैरह में भी डालना बहुत ज़्यादा हेल्दी चीज़ होती है। ठीक है, ये आ गई आपकी पीपल। पीपल थोड़ा नॉर्मली रखेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है और काफ़ी ज़्यादा थोड़ा कड़वा भी होता है, इसलिए पीपल की क्वांटिटी थोड़ा कम रहने वाला है इसके अंदर। ठीक है, ये आ गया पीपल। पीपल के बाद डालने वाले भैया इसके अंदर हम आपका खसखस के दाने, जिसको हम अफीम का बीज से बीज के नाम से भी जानते हैं, खसखस के दाने होते ये, बाकी लड्डू वगैरह में भी डाले जाते हैं, जापे में भी डाले जाते हैं, बाकी मसाले वगैरह में ग्रेवी को मोटा करने का काम करता है। ठीक है, ये खसखस का दाना आ गया आपका। खसखस के बाद डालने वाले भैया इसके अंदर मसालों की रानी जिसे कहा जाता है जैवित्री, ये प्योर जैवित्री होने वाला है आपका। ठीक है, ये प्योर जैवित्री होने वाला और अपने पास ये देख सकते हो, एक जैवित्री ये होता है, एक जैवित्री ये होता है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट आने वाला है, जो प्योर होता है वो ये होता है। ठीक है, दूर से ही खुशबू आ जाती है भैया इसके अंदर, ये आ गया आपकी जैवित्री। ठीक है, जैवित्री के बाद डालने वाले भैया इसके अंदर दखनी मिर्च, जो कि आंखों के लिए भी अच्छा होता है, ये देख सकते हो, ये वाइट पेपर भी बोलते हैं, दखनी मिर्च भी बोलते हैं इसको। ठीक है भैया, ये दखनी मिर्च भी डल गया आपका। दखनी मिर्च के बाद इसके अंदर डालेंगे भैया अपना छोटी इलायची, जो कि आपके 8.5 mm की छोटी इलायची होने वाली है और बिल्कुल ग्रीन दाने का होने वाला है और जायका बिल्कुल नंबर टॉप का ही होने वाला है इसका। ठीक है, ये आ गया छोटी इलायची। छोटी इलायची के बाद डालेंगे भैया इसके अंदर जायफल के दाने, जो कि बेस्ट क्वालिटी का आइटम होने वाला है और सब्जी में स्वाद डालने का काम करने वाला है। ये देखो जायफल डल गया आपका। जायफल के बाद भैया इसके अंदर डालने वाले हम आपका सौंठ, फिर डालेंगे इसके अंदर भैया सौंठ, ये हो गया सौंठ आपका। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आइटम डालने के बाद आपका मेन आइटम ये आने वाला है, जिसको बोलते हैं हम
आपका कस्तूरी मेथी और गुलाब की पत्तियाँ। गुलाब की पत्तियाँ डालने के बाद भैया अड़ोसी पड़ोसी वाले भी पूछेंगे आपके घर में क्या बन रहा है। आप शौक से बोलोगे कि भैया मुर्गा मछली मटन बिरयानी छोड़ो, मेरे घर में वेज तक बन रहा है, ठीक है। इसको मिला के आपका दम बिरयानी मसाला, सिगरेट मसाला और पुराने से पुराना मसाला कहा जाता है, ठीक है। काफ़ी बंदे क्या बोलते हैं हमारा बहुत साल पुराना मसाला है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, जो होता है यही मसाले होते हैं। इनको मिला के आपका सिगरेट मसाला वगैरह बनाया जाता है और दम बिरयानी मसाला बनाया जाता है। बाकी अपने पास आपको चाट मसाला मिल जाएगा, चाय मसाला मिल जाएगा, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट मिल जाएगा, सारी आइटम मिलने वाली है बिल्कुल उचित रेट पर। बाकी मसाले वगैरह का रेट बता दूँ मैं, ये मसाला आपको मैं मात्र 1450 रुपये किलो में दे दूँगा। मार्केटों में लोगे ये क्वालिटी का आइटम आपको 400-450 रुपये पाव बना के देगा, किलो में लेते हो 1500-1550 रुपये किलो में देगा, लेकिन गोलू ड्राई फ्रूट पे आओ 1450 में पाओ, ठीक है। बाकी लोकेशन वगैरह बता देता हूँ, लोकेशन अपनी दिल्ली की होने वाली है, पीली कोठी मिठाई पुल, नियर बाई तीसियारी मेट्रो, पीली कोठी पे आओगे हिंदू राव अस्पताल का प्यार ऐसे एक बोर्ड लगा हुआ दिखेगा। बाकी ये देख सकते हो, बाकी ये मेरा बैनर है, ये देख लो। बाकी कंटिन्यू वीडियो आती रहेगी, अच्छे से अच्छा कंटेंट लाते रहूँगा और भी आइटम के बारे में बताते रहूँगा, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। ओके जी।